हेलो हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू द व्लॉग एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। आप सभी का स्वागत है आपके भाई के चैनल पे अगेन विद द न्यू व्लॉग। एज यू गाइस नो कि आज हम जा रहे हैं अपने सफ़र पे, दिल्ली पे अभी निकल रहे हैं। थोड़ी देर में हम स्टेशन पे पहुंचेंगे, स्टेशन से ठाणे पहुंचेंगे, ठाणे से हम डेविल के यहाँ पे पहुंचेंगे। डेविल अभी तक रेडी नहीं हुआ है, मेरे को बोलता है, मैं बोला मैं 5 बजे निकलता हूँ, बंदा बोलता है हाँ ठीक है निकल जा मैं आता हूँ। मैं 5:30 बजे कॉल किया कि भाई निकल रहा हूँ, बोलते आधे घंटे बाद निकलना, अभी मैं रेडी नहीं हुआ, अभी जस्ट मैं उठा हूँ। ये सब कुछ चल रहा है हमारी लाइफ में और हमको पहुँचना है एयरपोर्ट। अभी देखते हैं, बिना ये जो बैग है ना, ये ऐसा हल्का लग रहा रहेगा तुमको, बट इसमें कम से कम 15-20 किलो का वजन है। कपड़े हैं, हेडफोन्स, परफ्यूम, ये वो, शूज़, सब कुछ लिया है। अभी जाते जाते देखते कैसा क्या सीन है। स्टेशन पर पहुँच के मैं आप लोग को मिलता हूँ। अभी मैं फिलहाल आने के अपने रेलवे स्टेशन पे हूँ, यहाँ से कैब करने वाले भाई जी आए नहीं अभी तक, एज ऑलवेज भाई जी लेट है। तो यहाँ से कैब करके अपन जाएंगे मुंबई एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पहुँचते हैं। वहाँ पे भाई का आने का इंतजार कर रहा हूँ। 20 minutes later दोस्तों भाई जी आ गए हैं 1/2 घंटा लेट, और रावत दिख रहे थे लुक करके आया प्रॉपर कमीना, क्या क्या बहुत कुछ किया है ऐसा कुछ दिख समझ के नहीं आ रहा है, लेकिन रावत दिख रहे हैं। अभी इधर हम लोग अपने स्टेशन पे, स्टेशन से हम लोग जाएंगे, अभी कैब आएगी, कैब बुक करी है मैंने, 5 मिनट में कैब आएगी। तो अभी बस निकल रहे हैं, थोड़ी देर में आएगा, 5 मिनट में कैब आएगी। कंधे पे दिमाग का दही हो गया, उसका वजन है ना डेविल के डबल, बैग्स के डबल होगा। ओके दोस्तों, अभी हम लोग प्रॉपरली बैठ चुके हैं यहाँ पे कैब में, आधे एक घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट। भाई को आ रही थी नींद और अभी बोल रहा है कि मेरे को नींद नहीं आने वाली, अगर ये नींद आई इसको और ये सोया तो मैं देखता हूँ आगे का क्या, तो बराबर इसको लेता हूँ आड़े में। वैसे भी कपड़े चेंज करने वाला ही एयरपोर्ट पे जाके। दोस्तों अभी एयरपोर्ट तो पहुंच रहे हैं, ये एयरपोर्ट का रास्ता और वो रहा JW Marriott और ये रही H Galaxy H24 की एड। अरे दिख रहे है ऊपर H24 Ultra, अरे Fold 3 Pro का है ना। अरे तो हमारे एरिया मैकडॉनल्ड, एज ऑलवेज जाके थोड़ा देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए, खाते पीते हैं। कैसा है खाना पीना इम्पोर्टेंट है तो लगी है बहुत। मैं सुबह कुछ खा के नहीं आया हूँ, मम्मी को परेशान नहीं करना चाहता था, बस उनके पैर पड़ा और निकला हूँ बाहर। अभी खाते कुछ, थोड़ा सा थोबड़े का ना हालत ठीक करते फिर घुसते एयरपोर्ट में। यानी कॉफ़ी मंगवाई है दोस्तों, डेविल भाई ऑन टॉप, मस्त विषय करते हैं। भाई ने सेल्फ चेक इन की मशीन से टिकट निकाले लिए, विषय खोलो एयरपोर्ट है ना, क्योंकि है ना पिछली बार बैंगलोर गए थे ना पिछले साल, हाँ तब श्रीमान भाई ने मुझे बता के रखा था बीच। और ये एयरपोर्ट इतना सुकून है ना, इतना ठंडा लग रहा है ना, मस्त बेस्ट है। ठीक है चल मैं जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट अभी इधर है, इधर बाथरूम तू मेरे को लगा मेरे को सच में छोड़ के जा रहा है दोस्तों। इसको मैंने एक मॉम के साथ छोड़ा है जो कि इसको थोड़ा उपदेश दोस्तों। अभी ना तुमको एक नया रूप देखने को मिलेगा डेविल का। अभी ये टी शर्ट देख लो, ठीक है ये अटायर देख लो, अभी एक नया एक नई चीज आएगी, राउडी राठौड़ आप देखोगे। चल चल दोस्तों, डेविल के कपड़े देखो, मचा रहा है बंदा, नाच कर रहा है बच्चा तू। चलो अभी निकल चुके हैं दोस्तों हमारे बोर्डिंग के लिए, और आई गेस 1-2 मिनट में, 10:05 में होने वाली बोर्डिंग। आज तुम्हारा भाई प्लेन चलाने वाला है और ये वो पायलट, और ये मेरे को बोलने वाला इधर से अगर प्लेन जाए तो मानू
दोस्तों इधर वेटिंग रूम में बैठे हैं, मतलब वेटिंग लॉबी में बैठे हैं हम लोग। मैच ही चालू नहीं हो रहा हमारे। लेकिन एक विषय अभी व्लॉग में बता नहीं सकते, बाद में बताते। डेविड की नजरें सिर्फ देखो, इधर उधर कैसे घूम रही है। मेरी नहीं, चुप। अभी ये बोला तब मैंने देखा, तब कैसा मुझे समझा कि अच्छा दोस्त भी है क्या। हाँ अच्छा, तो मैं पागल हूँ। कैसा है डेविड? देख रहा है, मीना देख रहा है, देखो कैसा तेरा तौबा। मैंने कपड़े तो वैसे ही पहने, फुल ब्लैक। हाँ फुल ब्लैक पहने। और दोस्तों अभी हम लोग की टिकट चेंज हो गई है। नई टिकट निकाली। हम लोग को पेपर टिकट नहीं चाहिए थी, पर हम लोग देखो चल रहे नहीं, खाली खड़े। ये हम लोग को अपेक्षा फास्ट अपन चलते, यार इससे फास्ट तो हम लोग चलते। भाई वजन है ना भाई कंधे में अभी। हाँ वॉकिंग स्पीड आता ना डेविड फ्लाइट कधी, अपन फ्लाइट से आधी पोचलो असतो मला वाटतं दिल्लीला। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे अंदर फ्लाइट के, इन 5 मिनट्स जैसे मैंने बोला था आपको, अंदर जाके मैं आप लोग को मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा 100%। लुक एट दिस चैट। अगर कोई रेगुलर फ्लाइट से जाने वाला रहेगा तो उसको पिछली और ये वाली टिकट देके समझ जाएगा, बट तो दोस्तों अभी हो रही है नहीं, बोर्डिंग हो गई है। लेट्स गो, दिखा दो। से एक को भी विंडो सीट नहीं मिली है। इस साइड बैठा, मैं इस साइड बैठा। अम्मा बहन हो गई है पूरी जिंदगी। इसको यहाँ की सीट मिले, मेरे को यहाँ की सीट मिली है, और विंडो सीट हमारे उस साइड। अभी एक से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा किसी से, तो भी प्लीज जाके थोड़ा हमको विंडो सीट दो, बाकी कुछ नहीं। तो उसमें से धुआं आ रहा है बे, बाहर से छोटा लगता है क्या? सुपर। अरे बस फुल डाले, खत्म है। अभी वेट करना पड़ेगा। चैट, ये होटल की वाइब देखो यार, ओ द हेल ब्रा, सब एकदम सुपर है। मीनवाइल तो दोस्तों पानी मैंने गरम लगाया है, अभी जाके मस्त इसमें मारूंगा डुबकी, और डेविल को देखने को लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि बेड इधर ही है और यहाँ पे है बाथटब। अभी करेंगे मजे। गाइस जिधर तक नजरें जा रही है, आप लोग गेस करो कौन सा क्रिएटर है। आप लोगों को कौन कौन क्रिएटर दिख रहा है पॉज करके मेरे को बताना, ठीक है? यहाँ पे तो झुंड है, यहाँ पे तो मिथपैट, टेक्नो, गेमर फ्रीड वगैरह सब लोग है। दोस्तों ये कार्ड मिल गया फाइनली, और अभी एंट्री मिलेगी थोड़ी देर में। हम हमारे मैनेजमेंट को नहीं ले सकते, वो अलग बात है, बट ये मिल गया। अभी अंदर जाएंगे, मचाएंगे, धूम मचाएंगे। अंदर क्या क्या है मेरे को एक्चुअली नहीं मालूम है, बट बाहर इतने क्रिएटर्स है ना कि थोड़ा हो रहा है। पहचान के बहुत है, बट थोड़ा सा होता है ना वो पैसा विषय। जाते बाजू में इवेंट चल रहा है, इवेंट में अंदर क्या होता है ना वो दिखाता, वो भी ज़्यादा बात नहीं कर सकता। मेरे को नर्वसनेस हो रही है बहुत भयंकर, समझ रहे हो? यहाँ पे चल रहा है थोड़ा इवेंट चल रहा है। डेविल सुन रहा है बहुत गौर से, बर्ड्स और वॉच का लॉन्च। और अभी हम लोग यहाँ पे बैठे, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलेगी।
लॉन्च हुआ है वो हमारे हाथ में है। लेट्स सी कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी कैमरा क्वालिटी चेक करना चाहूँगा, बट इसकी कैमरा क्वालिटी इसमें दिखेगी नहीं। इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ है नॉचेस और बड़ी बड़ी स्क्रीन, इसमें खेलने में जो मज़ा आएगा। और ये को गैलेक्सी वॉच और गैलेक्सी बर्ड्स ये भी नया आया है इसके साथ। इस गैलेक्सी फ्लिप 6 ये भी दो लेजेंडरी फोन आज लॉन्च हुए हैं और दोनों यूज़ करके इसके रिव्यू प्रॉपरली देंगे। ये तो फिलहाल मैं इसको यूज़ करूँगा और जो भी रिव्यू है मैं थोड़ी देर में आपको दे देता हूँ। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। कल रात को कुछ शूट नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा थके थे और जैसे ही इवेंट ख़त्म हुआ हम लोग आके सो गए सीधे। अभी आज है हमारे टूर्नामेंट्स, डेविल रेडी हो रहा है, मैं रेडी हो चुका हूँ और हम लोग नीचे जाके मचाने वाले बहुत भयंकर। बाय द वे मैं आप दिखाता हूँ, सुबह सुबह 2 मेगापिक्सल का कैमरा उठा के हम चल पड़े कॉन्टेंट बनाने। तो अभी जा रहे हैं, नीचे जाते हैं। 2 मेगापिक्सल नहीं है भैया, तुम लोग ये सैमसंग का कैमरा किसी से भी कंपेयर कर लो, फिलहाल की कंडीशन में बेस्ट है। और सुनो मेरी बात, अभी आप लोगों के विशेष की ज़रूरत है जो कि मैं इंस्टा पे स्टोरी या फिर अपने ओजी गैंग पे डाल ही दूंगा, तो आपकी विशेष चाहिए क्योंकि टूर्नामेंट में थोड़ा मचाना है। आगे कोई भी हो, डरते हम किसी से नहीं है, किसी के बाप से डरते नहीं हम, जाके मचा के आएंगे शंबड़ के। डेविल और मैं एक टीम में बेटर चीज़ है, लेकिन हमारे साथ और दो बंदे हैं जो BGMI ज़्यादा नहीं खेलते, बट कर लेंगे भाई, कर लेंगे कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। और नाम तो करके ही आना है आज। यस, तो जाते हैं अभी नीचे, नीचे जाके मैं आपको अपडेट देता हूँ। बाय द वे अपने एक भाई आ रहे नीचे, उनसे थोड़ा मिलते हैं, बताता हूँ मैं आपको व्लॉग में आगे। तो अभी नीचे आए हैं और यहाँ पे ना पूरा सेट लगा के रखा है, कैसे मैं तुमको दिखाता हूँ, जहाँ पे टूर्नामेंट्स होने वाले हैं हमारी। और ये रहे, ये हमारी टीम है चेन्नई AI चैम्पियन थाला फॉर रीजन और ये बाकी सारे। तो मज़ा आने वाला है बहुत, देखते हैं क्या सीन है, कैसा है, कैसे चलने वाला सब कुछ। मज़ा तो आएगा ऑब्वियसली। अभी एक नया अपडेट निकल के आया, ये है कि टूर्नामेंट्स होने वाली है गैलेक्सी फोल्ड पे। अभी अभी वो फ़ोन आया है दोस्तों और उस पर टूर्नामेंट्स होने वाली है, मतलब इससे मज़ेदार चीज़ और क्या हो सकती है। लोग गेस करो कि कितने डेंजर लेवल पे हम लोग खेलेंगे और कितने डेंजर लेवल पे हम बोलेंगे। अभी थोड़ा ड्राई रन वगैरह चालू होगा तब पता नहीं मैं शूट कर पाऊँगा। मैं बेसिकली मैं रख दूंगा कैमरा साइड में और शूट कर लूँगा, देखते देखते। मैं अभी आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि सब लोग डिमोटिवेटेड क्यों है। हमारी टीम में डेविल और मैं छोड़ के किसी ने BGMI आज तक नहीं खेला, और जो नेक्स्ट राइवलरी टीम है उसमें 2 प्लेयर है, एक्सेलट्रैक्स जॉनी, जो एक ही टीम में, और बाकी सारे टीम में ऐसा सीन है कि एक बंदे को छोड़ के बाकी किसी को BGMI नहीं आ रहा, या फिर उसने कभी खेला ही नहीं, या फिर फ्री फायर प्लेयर है। तो अभी टेंशन ऐसी हो गई है, मतलब देखो डीमोटिवेट नहीं हो रहा हूँ मैं, वो अपने जो मयूर भाई के पीछे खड़े वो डीमोटिवेट हो गए, लेकिन हम डीमोटिवेट नहीं हो रहे, बट थोड़ा हार्ड तो होगा, ऑब्वियसली हार्ड होगा थोड़ा। देखते हैं अभी कैसा क्या सीन है, चेक करेंगे। तो गाइस ये हमारा सीटिंग एरिया है, ये हमारे टीम का है फ्लैग थाला फॉर रीजन। उल्टा है उस साइड से, ये रहा हमारा फ्लैग। क्या बात है, खाली टेव। क्या कहे, मुंबई वालों के हाथ में चेन्नई का झंडा है क्या? ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है, पर ठीक है, बेटर जो है वो बेटर है। कास्टिंग के लिए कौन आया रहेगा चैट? कास्टिंग के लिए आए मेजी भाई और अपने लास्ट टाइम के जो कास्टर से वो भी आए, प्लस अपने क्या नाम है यार उनका, तो नाम याद नहीं आ रहा है, बट आप देख के पहचान जाओगे इजीली। मेजी भाई से कल मिला मैं, अभी देखते क्या सीन है कैसा। मेरे को थोड़ा सा
ये ऐसा कास्टिंग का कान पे आएगा ना तो जरा दिमाग घूमता है, देखते क्या करते। तो गाइस सीन ऐसा है, अभी डेविल में टेक्नो भाई और अपना बंदा है जो सेल्फी गेमर, हम जीतने की तैयारी में। बंदे आके बोल रहे लखनऊ कभी जीतनी है, लेकिन जीतेगी टेक्नो भाई, जीतेगी कौन भाई? जीतना इतना छोड़ो, तुम प्लानिंग करो, तुम टॉप प्लेयर लो करो भाई। ये क्या प्लान चोरी हो रही है हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, हमको हमारी स्ट्रैटेजी लीक करी जा रही है। फायर करोगे ना तो उंगली नीचे खींचना है, वो रिकॉइल कंट्रोल करना है। थोड़ा सा खेला है, दो दिन भर खेला, बहुत दिन भर खेला, ज्यादा नहीं यार, आएगा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। गाइज हमारे बीच में एक ऐसी मेंबर है जिनकी खुद की टीम है लेकिन टीम है ही नहीं, टीम है ना। अच्छा आधी खेल रहे हम लोग ही है, आधी खेल रहे। काय टीम का है इसका, टीम इसको छोड़ के चला गया, थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए शायद, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट। आप कौन से, आपके टीम कैप्टन कौन है? टेक्नो। तो आपको ज्यादा डिमोटिवेट होना चाहिए, क्यों बीच में है भाई हमारे साथ, हो जाएगा। आज सीन ऐसा है कि हम लोग हैं चेन्नई की टीम में, हम लोग सपोर्ट करते हैं मुंबई को। मुंबई की टीम में रहते थाला फॉर अ रीजन। फ्रंटन भाई चेन्नई को सपोर्ट करते राइट? यस। तो अभी हम लोग चेन्नई से, तो आपको हमारा हमको सपोर्ट रहेगा या जॉनी की टीम का सपोर्ट रहेगा बताओ? अटक गया। सपोर्ट रहेगा दिल से चेन्नई, चेन्नई से और दिमाग से अलग सबको। ये गलत बात नहीं, नहीं 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 ऐसा नहीं, ये तो बहुत बड़ा झूठ बोला भाई, तो झूठ बोलने वाली बात हो गई। Show some love and make some noise for Samson Miller. Come on! 5 hours later. अभी ना टूर्नामेंट वगैरह कंप्लीट हो गई है, खेल के अच्छा लगा। और बाजू भाई मैं और डेविल तीनों कुछ खा रहे थे अभी, मुझे वो नहीं पता था कि वो नॉनवेज था। खाते खाते फर्स्ट बाइट जैसे मैंने लिया, इन्होंने मेरे को बताया करके अच्छा है जाके तू क्या है, नॉनवेज नहीं खा रहे बच्चा, अपन बिल्कुल भी नहीं खा रहे। अभी जब से इसके लिए मैं वहां आता हूं ना तो मेरे को पार्टी देते, मेरे को वेज ऑप्शंस बता, क्योंकि मैं नॉनवेज ज्यादा खा रहा हूं ना, तो मैं वेज पे स्विच करता हूं। सही है। तो मैं अभी डेविल से ले रहा हूं अलविदा, वो क्यों वो मैं यहां पे ये वाला व्लॉग खत्म कर रहा हूं, आगे के व्लॉग में आपको पता चलेगा क्यों। ओके थोड़ा कैब में बैठता हूँ, फिर आपसे थोड़ी बातें करूंगा, फिर ब्लॉक करते खत्म। यप, सिर्फ पार्टिसिपेट करा करके हमको ये क्या बोलते हैं, जैसे बचपन में नहीं देते थे ऐसे, हां बोल सकते ना बच्चों को कि हैंडराइटिंग खराब है। हां बस ये है, आपके लड़के ने पार्टिसिपेट किया है तो हिम्मत दिखाई है इसने, बस इतनी जल्दी बच्चे ने हिम्मत तो दिखाई है, बहुत जबरदस्त। फाइनली हम लोग होटल से निकल चुके हैं और अब मैं एक जगह जा रहा हूँ, उससे पहले मैं ये व्लॉग एंड करना चाहता था करके आपको मैं बता रहा हूँ कि आज जो इवेंट हुआ है उसमें इतना मज़ा आया क्या बताऊँ मैं। और बहुत अच्छे से किल निकले हैं, एंड मैच में किल निकले, हाथ गर्म होने में बहुत टाइम लग गया, मुझे अब पता चला कि लैन इवेंट्स में इतनी सारी मैचेस क्यों होती है। तो अभी हो चुका है और मैं निकल रहा हूँ एक जगह पे, दूसरी जगह पे, वो व्लॉग आपको अगली बार मतलब अगला जो व्लॉग होगा उसमें दिखाई देगा। ये व्लॉग के लिए बस इतना ही है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। दैट्स इट, बाय बाय, पीस आउट, लव यू, मिलता हूँ।
अगले ब्लॉग में।